नेपाल में भूकंप से मौत का आंकड़ा 3700 के पार पहुंचा। काठमांडू के बाद दूरदराज के इलाकों में भी रेस्क्यू शुरू। अब तक 2500 से ज्यादा हिंदुस्तानी निकाले गए। भूकंप के बाद नेपाल पर कुदरत की मार। अगले 24 घंटों में 70 से 120 मिलीमीटर बारिश का अनुमान। संसद में जताई गई चिंता। एक महीने की सैलरी देंगे भारत के सांसद। भूकंप के बाद बिहार पर मौसम की दोहरी मार। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। कई जिलों में आज भी भूकंप के झटके। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की याचिका। एनजीटी के आदेश पर अमल के लिए 6 महीने का मांगा वक्त। केजरीवाल सरकार में मंत्री जितेंद्र तोमर की बड़ी मुश्किल। भागलपुर यूनिवर्सिटी का अदालत में हलफनामा। मंत्री की डिग्री को बताया फर्जी। लैंड बिल पर अब राहुल गांधी देशभर में करेंगे पदयात्रा। महाराष्ट्र के विदर्भ से होगी शुरुआत। यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब भी जाएंगे। मोदी सरकार के लैंड बिल पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लखनऊ में बीएसपी का सड़क जाम। हरियाणा के हिसार में कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने की आत्महत्या। यूपी के बाराबंकी में भी फसल बर्बाद होने पर किसान ने दे दी अपनी जान। यूजीसी ने जारी की 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची। वाइस चांसलर से कहा फौरन बंद करें संस्थान। राज्य सरकार से कार्रवाई करने का आदेश। व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज का पलटवार। कहा दिग्विजय के आरोपों को एसआईटी ने किया खारिज। सोनिया बताएं कि क्या उनकी सहमति से लगाए गए आरोप। कश्मीर के रियासी में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के दौरान हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डोडा में फिजिकल टेस्ट के दौरान एक युवक की मौत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने पकड़ी हवाला की रकम। 58,40,000 रुपए बरामद। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में दो नाबालिग लड़की से रेप का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के बाड़मेर में आरएएस अधिकारी की पत्नी की गिरफ्तारी। पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी ने माना घरेलू विवाद के बाद रची गई थी हत्या की साजिश। चित्तूर एनकाउंटर मामले में याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले की सीबीआई जांच की गई थी मांग। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में तेलुगु फिल्मों की हीरोइन गिरफ्तार। नीतू अग्रवाल पर चंदन की तस्करी में शामिल होने का आरोप। दिल्ली से लखनऊ के लिए चलेगी डबल डेकर ट्रेन। आनंद विहार स्टेशन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई झंडी। मुंबई में फडणवीस सरकार के खिलाफ सहयोगी आरपीआई का प्रदर्शन। वडाला में एक बच्ची से रेप केस में छोटा राजन के भाई दिलीप निखलजे का रास्ता रोको। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। पति जुबिन भी थे साथ। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बगदादी की मौत की खबर। रेडियो ईरान के हवाले से खबर। हवाई हमले में मारा गया आईएसआईएस चीफ बगदादी। गर्मी के मौसम में कश्मीर के रास्ते पाक आतंकवादियों की घुसपैठ का बड़ा खतरा। एलओसी पर सेना ने बढ़ाई गश्त। पोरबंदर बोट केस के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ होने का अंदेशा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी जांच। नाव से मिली थी 600 करोड़ की हेरोइन। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों का जल सत्याग्रह 40वें दिन में जारी। ओंकारेश्वर बांध के विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन की मांग। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने बुकी से रिश्ते की खबर को सियासी साजिश बताया। श्रीनिवासन को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा की फिल्मों में एक्टिंग की खबर का किया खंडन। ट्वीट कर कहा सारा पढ़ाई कर रही है। बेबुनियाद खबर से दुख हुआ।